फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। सो कैसा आप सब, आई होप कि आप सब कोई बहुत 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 अच्छे होंगे एंड सेफ भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं न्यू सेशा ऑयल का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। आप लोगों को पता ही होगा सेशा ऑयल बहुत ही बढ़िया ऑयल है। मेरा एक वीडियो आ चुका है इसके बारे में पहले भी। मैं सेशा ऑयल लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, बट अभी जो मैं जिसका रिव्यू करने वाली हूँ वो नया सेशा ऑयल है। सो मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या है, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या है क्या नहीं। सो मैं इसे नियर अबाउट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक 1 मंथ नहीं हुआ है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। सो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी क्या है क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट 1 ईयर से सेशा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मुझे बहुत ही पर्सनल फेवरेट हो चुका है सेशा ऑयल, क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये सेशा ऑयल। तो अचानक मुझे पता चला कि न्यू सेशा ऑयल आया है स्ट्रॉन्ग रूट्स, मतलब जो कि हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, एंड जो कि पुराना वाला ऑयल से बहुत ही एडवांस है नया वाला ऑयल। तो मैं सोची चलो क्यों ना ट्राई कर लेती हूँ कैसा है, क्योंकि पुराना वाला ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सो मैं इसको क्या की अमेज़ॉन से ऑर्डर करी, तो उसके बाद मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रही हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं न्यू सेशा ऑयल का पैक कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो न्यू पैक इस कुछ इस तरह का दिखता है, सेशा प्लस आयुर्वेदिक स्ट्रॉन्ग रूट्स। एंड ये देखिए, यहाँ पे हिबिस्कस दिया हुआ है, एंड यहाँ पे ऑयल दिया हुआ है, यहाँ पे एलोवेरा दिया हुआ है, एंड मिल्क दिया हुआ है। ये देखिए लिखा है बनियान ट्री एक्सट्रैक्ट्स, 25 रेयर हर्ब्स प्लस 6 एसेंशियल ऑयल प्लस मिल्क, बिल्ड्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, रिड्यूस हेयर फॉल, इन्हेंस्ड हेयर ग्रोथ, ये सब लिखा हुआ है। एंड अगर इस साइड में आप लोग देखोगे, ये देखिए GMP सर्टिफिकेट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट मिला है ये डिपार्टमेंट से, एंड सर्टिफाइड 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेशा रजिस्टर्ड अंडर आयुर्वेदिक लाइसेंस। ये देखिए लाइसेंस भी है, एंड क्लिनिकली प्रूवन है। यहाँ पे दिया हुआ है 100% नेचुरल। सो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रस्टेड बाय डॉक्टर्स, एंड अगर आप पीछे देखोगे तो दिया हुआ है ट्रीट कैन रूट्स कॉज ऑफ हेयर प्रॉब्लम्स नेचुरली। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए हिबिस्कस दिया हुआ है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड हेयर ग्रोथ को हेयर ग्रोथ बढ़ाती है। एंड ये देखिए 26 नेचुरल हर्ब्स दिया हुआ है इसमें, एंड 6 एसेंशियल ऑयल प्लस मिल्क इसमें दिया हुआ है। एंड देखिए इसमें लिखा हुआ है रेगुलर यूज़ करने से आपका जो हेयर है वो स्ट्रांग होगा, एंड हेयर फॉल भी आपको नहीं होगा, एंड न्यू हेयर को भी ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगी। सो गाइस, इसमें एलोवेरा भी है जो कि हेयर को नरिश करता है, एंड कंडीशनिंग भी करता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें एक नया बात ये है कि केशर पाक विधि है इसमें। सो फ्रेंड्स, केशर पाक विधि जो कि है पुराना एक मतलब विधि है, जो कि पुराने समय में यूज़ किया जाता है, जो कि जो भी मेडिसिनल हर्ब्स होता है, जैसे कि ये देखिए जिसमें इतना सब दिया हो है मेडिसिनल हर्ब्स है, ये हेयर ग्रोथ के लिए हेयर के लिए बहुत ही हेल्प है। ये सब मेडिसिनल हर्ब्स को एक दूध में, इससे सब कुछ बॉयल होता है, एंड बॉयल करके एक मॉडर्न फैक्ट्री में प्रोसेस होता है ये सब, 22 आवर्स प्रोसेस होके डिस्टिल मतलब एकदम प्यूरिफाई होके उसके बाद एक ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं केशर पाक विधि, जो कि फ्रेंड्स इसका अगर रेट आप लोग देखोगे तो 180 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। इसके अंदर आप अगर खोलोगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का मिल जाएगा बॉटल आपको, आप लोग देख सकते हो। देखिए हिल रहा है, मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अंदर आपको एक देखिए मैनुअल दिया हुआ होगा, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या हर्ब्स इसमें यूज़ हुआ। सो फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर जो है ये देखिए आप लोग देख सकते हो, देखिए हल्का सा ग्रीनिश कलर का है, एंड इसका जो स्मेल है एकदम प्योर आयुर्वेदिक स्मेल है गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी जान लेते हैं कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ऑयल के साथ।
फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है, तो आप लोगों को पता ही होगा मैं सेश ऑयल हमेशा यूज़ करती हूँ। तो पहला जो ऑयल है उससे भी बहुत ही एडवांस है। इसमें देखिए आप 26 नेचुरल हर्ब्स एंड 6 इसेंशियल ऑयल्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये अच्छा ही होगा, बेटर होगा उससे पुराना वाले से, क्योंकि एक एडवांस है। और एक अच्छी बात ये है कि इसमें हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करती है। पुराना वाला में भी हेयर ग्रोथ होता है, बट थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट एंड इसमें जो है थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही फास्ट हेयर ग्रोथ करता है, जब मुझे फास्ट हेयर ग्रोथ किया है। अभी पता नहीं आपको सेम होगा कि नहीं, आपका स्किन सबका हेयर सेम नहीं होता है, हो सकता है कि आपको लेट से करे, हो सकता है कि आपको जल्दी भी करे, तो कम से कम आपको 1 मंथ तक ट्राई करके देखना है। अगर आपको हेयर फॉल होता है या तो कुछ भी आपको मतलब ईचिंग वगैरह होता है तो तभी आपको रोक देना है, उसे कंटिन्यू नहीं करना है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आपको सेट होने में कम से कम 1 मंथ लगता ही है फ्रेंड्स, तो आप 1 मंथ थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। तभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रोक देना, अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेयर्स चला गया था, तो अभी ये जब से मैं लगाना शुरू की हूँ तो यहाँ पे मुझे छोटे छोटे हेयर आने लगे हैं। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए भर गया है ये जगह। तो वही हिसाब से मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड ऐसे भी मैं 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ सेश ऑयल, तो मुझे पता है कि सेश ऑयल बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। मैं कुछ भी और यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ ओनली सेश ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही फेवरेट है मेरा सेश ऑयल। फ्रेंड्स ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, एंड अगर आपको डैंड्रफ है तो उसको भी कंट्रोल होगा। एंड अगर ये ऑयल अप्लाई करके उसके बाद आप नहाते हो, शैम्पू वगैरह करते हो, तो आपको हेयर भी नरिश करता है, बहुत ही करता है। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं शैम्पू करती हूँ बट कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा बाल सॉफ्ट दिखने लगता है। तो मतलब अगर टच भी करती हूँ तो मुझे सॉफ्ट लगता है, और ऑलरेडी मैं अपने हेयर पे बहुत केमिकल यूज़ करती हूँ, जैसे कि हेयर कलर हो गया, बहुत कुछ यूज़ करती हूँ, तो ये ऑयल तो ज़रूरी है। तो सो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ अभी मैं कैसे यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसके साथ मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत वीडियो में देखे हो कि इसके साथ ये यूज़ करो तो हेयर ग्रोथ जल्दी होगा, दूसरा कुछ यूज़ करो तो ऐसे यूज़ करो तो हेयर ग्रोथ जल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं, एंड मैं कुछ भी आपको दिखाती हूँ तो मैं खुद के ऊपर पहले टेस्ट करती हूँ, उसके बाद में ही आपको बताती हूँ रिव्यू जो भी है। तो सो फ्रेंड्स आपको इसके साथ कुछ भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 26 हर्ब्स एंड 6 ऑयल दिया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। तो इससे जो काम होगा वही काफ़ी है गाइस। तो आप लोग जैसे मैं पुराना ऑयल यूज़ करती थी, मतलब पुराना सेश ऑयल यूज़ करती थी, वैसे ही मैं यूज़ करती हूँ। रात को मैं लगा के सो जाती हूँ, एंड मॉर्निंग में उसके बाद जब आफ्टरनून में जब भी मैं नहाती हूँ, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में जब भी मैं नहाती हूँ तो शैम्पू एंड कंडीशनर करती हूँ, तो पूरा ओवरनाइट मैं ऐसे रखने देती हूँ हेयर्स पे। तो क्या होता है अगर ओवरनाइट आप रखते हो कोई भी हेयर, कोई भी ऑयल या तो कोई भी क्रीम, अगर ओवरनाइट आप रखते हो फेस में, तो नाइट टाइम में आपको स्किन को बहुत ही मतलब नरिश करेगा, या तो हेयर को बहुत ही नरिश करेगा, रिपेयर होने के लिए बहुत ही हेल्प करती है। तो ज़रूरी है आप कोई भी सीरम या तो कोई भी ऑयल आप नाइट टाइम में यूज़ करो, ज़रूरी है ये बात। हर दिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ कोई भी ऑयल, क्योंकि हर दिन मुझे फिर हेयर वॉश करना पड़ता है, हेयर वॉश करना पड़ेगा, तो हर दिन हेयर वॉश करना भी सही बात नहीं है, हेयर को बहुत डैमेज होता है। तो सो गाइस मैं उसे 2-3 times यूज़ करती थी, पुराना जो सेश ऑयल है, एंड इसे मैं अभी उसके जगह पे मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर दी हूँ। एंड इसको कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सोते से पहले जो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम है, जैसे मुझे यहीं पे प्रॉब्लम है, तो मैं इसके साथ एक ऐसा भी आता है ये ब्रश टाइप का, देखिए
जैसा पकेश किंग एंड इंदुलेखा सब में आता है ना गाइस, वैसे ही आपको इसके साथ ये भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ हर दिन, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है हेयर प्रॉब्लम, हर दिन मैं फुल हेयर में अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं इसे क्या करती हूँ ज़रा सा यहाँ पे अप्लाई करके थोड़ा देर मसाज करके फिर मैं नेक्स्ट डे जब हेयर वॉश मतलब नहाती हूँ तभी पर मैं थोड़ा सा शैम्पू वम्पू करके हेयर मतलब तेल को धो देती हूँ। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे हेयर ग्रोथ चाहिए तो इसीलिए मैं वही हिसाब से बोलती हूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जब यहाँ पे हेयर ग्रोथ आ जाएगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी गाइस इसको, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, 3 to 4 times ही करती हूँ वीक में। एंड अगर आपको जल्दी हेयर ग्रोथ करना है या तो जल्दी मतलब जो भी आपका हेयर प्रॉब्लम है आपको जल्दी सॉल्व करना है या तो जल्दी हेयर ग्रोथ करना है तो आप हर दिन भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कभी कभी क्या होता है 2 दिन भी लगा के रख देती हूँ, उसके बाद 2 दिन के बाद में हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो हेयर में अगर आपको तेल रहता है तो उतना कुछ टेंशन वाला बात नहीं है, आज लगाना आज लगा के आप भी धोना है ऐसा कुछ, मिनिमम आपको 1 hour रखना ही है गाइस कोई भी ऑयल लगा के, उसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। अगर हो सके तो आप ओवरनाइट कीजिए, लगा के अप्लाई करके रखिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, अगर सेशा प्लस आयुर्वेदिक स्ट्रांग रूट्स के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो या तो कुछ भी आपको हेयर रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स ये मैं 3 to 4 months यूज़ करने के बाद फिर से मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसा कितना जल्दी हेयर ग्रोथ करता है क्या नहीं, कितना ग्रोथ हुआ सब मैं बताने वाली हूँ गाइस। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा गाइस, एंड बेल बटन को भी ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।